तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Xiaomi या फिर MIUI के कुछ छोटे लेकिन इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। और सबसे पहले यार, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि Xiaomi की जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है, इसके ऊपर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे सवाल उठे हैं, काफ़ी सारे इल्जाम लगे हैं कि ये जो एप्लीकेशन है सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए अच्छी नहीं है, या फिर कहूँ कि इस एप्लीकेशन में जो परमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों से मांगी जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इस एप्लीकेशन का एक नया अपडेट अभी आया है जिसका वर्जन है 4.2.5 और ये आप लोगों को आपके फोन के सिस्टम अपडेटर में मिल जाएगी, वहां से आप लोग इसको इजीली अपडेट कर सकते हो। और इसके बाद में अगर आप लोग जाओगे ऐप परमिशन में, तो यहां पे आप लोग देख सकते हो यार कि कुछ लिमिटेड परमिशन ही अब यहां पे मांगी जा रही है, यानी कि गिन के केवल 6 परमिशन अब यहां पे अलाउ किए जा रही है, जो कि पहले यहां पे काफी ज्यादा थी। तो ये मैं कहूंगा कि एक अच्छी बात है कि हां भाई, Xiaomi की तरफ से जो परमिशन का सीन है उसको यहां पे थोड़ा सा ठीक किया गया है। लेकिन इसके बाद में अगर आप लोग जाते हो किसी परमिशन के अंदर में, तो उसको डिनाई करने का जो ऑप्शन है वो अभी भी हमको इस अपडेट के बाद में नहीं मिल रहा है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि सिक्योरिटी ऐप के अंदर में जो क्लीनर एप्लीकेशन है, यहां पर जो डेफिनेशन है वो है क्लीन मास्टर की। लेकिन ये क्लीन मास्टर कौन सा है? चीता मोबाइल का है, जो इंडिया में बैन हो चुका है, या फिर Xiaomi ने जैसा कहा था कि इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो कोई नया क्लीन मास्टर इस अपडेट के बाद में हमको मिला है, इसके बारे में अभी कंफर्म यहां पर कुछ नहीं है। बट मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कोई यहां पर प्रॉब्लम होगी तो Xiaomi उसको जल्दी से जल्दी यहां पर फिक्स कर देगा। अब एक अच्छी बात यह है कि जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर लिस्टेड हो चुकी है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इसलिए भी है क्योंकि प्ले स्टोर में कोई भी किसी भी एप्लीकेशन को ऐसे यहां पे नहीं डाल सकता है, वहां पे काफी सारी जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन है उनको पहले फॉलो करना पड़ता है। और अगर Xiaomi के सिक्योरिटी ऐप में कुछ यहां पे इशू रहे होंगे, तो यही उम्मीद करते हैं कि Xiaomi ने पहले उन इशू को यहां पे फिक्स किया होगा। हालांकि यहां पे जो वर्जन अभी आप लोगों को दिख रहा है ये थोड़ा सा पुराना है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है अभी जुलाई के महीने में ही प्ले स्टोर में आई है, और आप लोग इसको अगर सर्च भी करोगे तो ये एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, यानी कि सभी के लिए एप्लीकेशन यहां पे दिख जाए सर्च करने के बाद में, और जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमको डायरेक्ट प्ले स्टोर से ही मिले। और जब तक आपको ये एप्लीकेशन सर्च करके नहीं मिलती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्ले स्टोर का जो ऑफिशियल लिंक है वो दे दूंगा, तो वहां से जाके भी आप लोग इस ऐप को चेक कर सकते हो। और इसके बाद में जो अपडेट है वो है MIUI 12 की गैलरी ऐप के रिगार्डिंग, जिसका अपडेट अभी जाने के अंदर में आया है, वहां पर बीटा में चल रहा है और इसको मैंने फिलहाल यहां पर डाउनलोड कर लिया है, जिसका वर्जन आप लोग यहां पर देख सकते हो 2.2.16.7 और लगभग 54 MB का इसका साइज है। और इसके बाद में जो नए फीचर हमको गैलरी ऐप के अंदर में मिलते हैं, उसमें सबसे पहला ये है कि आप लोग कोई स्क्रीनशॉट यहां पर क्लिक करते हो और उसके बाद में यहां पर जाते हो, तो यहां पर एक नया ऑप्शन हमको दिख रहा है जिसका नाम है एड डिवाइस फ्रेम। और यहां पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो आप लोग यहां पर देख सकते हो मेरे स्मार्टफोन जो फ्रेम है वो यहां पर क्रिएट हो चुका है स्क्रीनशॉट के चारों तरफ, और इसको आप लोग सेव कर सकते हो, और ये एक PNG फॉर्मेट में यहां पर सेव होगा, जो कि काफी अच्छी बात है यार। यानी कि आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि यूट्यूबर होंगे और उनको इस तरह का जो फ्रेम है स्क्रीनशॉट के चारों तरफ वो लगाना पड़ता होगा, या फिर आप लोग अगर कोई वेबसाइट पर काम करते हो या फिर स्क्रीनशॉट अगर आप लोग ज्यादा यहां पर शेयर करते हो, तो उस कंडीशन में ये जो फीचर है काफी यूजफुल होने वाला है। और एक और चीज आप लोग यहां पर देख सकते हो यार कि जो फ्रेम है वो पर्पल कलर में आया है और मेरा स्मार्टफोन भी यहां पर सेम कलर का है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है। इसके अलावा आप लोग जाते हो अगर गैलरी ऐप के अंदर में, तो यहां पर एडिट में जाने के बाद में स्काई में नाइट और डायनेमिक दो नए फिल्टर हमको मिल जाते हैं, जहां पे आप लोग देख सकते हो यार कि काफी सारे इंटरेस्टिंग फिल्टर हमको मिलते हैं, जो कि आपकी फोटो को और भी ज्यादा एनहेंस यहां पे कर देंगे केवल वन क्लिक में। काफी सारे फिल्टर हमको पहले भी मिलते थे, लेकिन ये जो नए फिल्टर हैं वो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। और डायनेमिक के अंदर में जाके आप लोग यहां पे देख सकते हो यार कि आपकी जो फोटो है वो एक छोटी सी वीडियो के रूप में यहां पे तैयार हो जाएगी, 10 सेकंड की वो वीडियो होगी। और यहां पे अलग अलग फीचर हमको मिलते हैं, जैसे कि मिल्की वे हो गया, ये रेन वाला हो गया, ये स्नो वाला हो गया, जिसके साथ साउंड भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बस यार मेरे भाइयों, यही कुछ छोटे अपडेट अभी Xiaomi की तरफ से दिए गए हैं, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। वीडियो काम की लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही आप लोग पहले बार चैनल पर आए हो तो किसका वेट कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि आप लोगों को हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।